हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और आपके सभी पार्ट्स और पेट्स बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपने जो कॉन्यूट वार्ड्स है उनके मैं प्रोग्रेस दिखाऊंगा, मेरे सेटअप का आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि अभी क्या प्रोग्रेस है हमारा वार्ड्स का। तो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, चैनल पे आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में एक बेल का आइकन आएगा उसको भी जरूर दबा लीजिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, कॉन्योर को जैसा हमने उम्मीद रखा हुआ था कि हमको विंटर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उस हिसाब से दोस्तों हमको इस तरह से रिजल्ट नहीं मिला है, क्योंकि विंटर में ज़्यादातर टाइम मौसम खराब रहा, ज़्यादातर टाइम बारिश का हो भी बहुत टाइम हुआ था। उसके लिए दोस्तों बार्स लोगों ने क्या है ना, ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिए थे। जब बारिश हुआ दोस्तों, ह्यूमिडिटी का लेवल कम हो गया, उसके साथ साथ दोस्तों जो भी बार्स लोगों ने पकड़ा हुआ था बॉक्सेस वगैरह, वो भी फिर से बॉक्सेस वगैरह को छोड़ दिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बार्स का मूड होता है, बार्स थोड़ा सा अंदर से गर्म महसूस करना चाहते हैं, ह्यूमिडिटी लेवल का मेकअप होने पर वो सब बॉक्स को पकड़ते हैं, उसके बाद से मेटिंग करके अंडे वगैरह देते हैं। तो दोस्तों बारिश के होने कारण बहुत सारे जो हमारे कॉन्योर्स थे, एक दो को छोड़कर बाकी सारे कॉन्योर्स के इतने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है फिलहाल दोस्तों, अभी वो सब दिक्कत नहीं है और अभी मौसम और सिचुएशन बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ साथ दोस्तों हमारे जो बाढ़ से वो सब ब्रीडिंग करना भी अच्छी तरह से शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले हम देखते हैं हमारे एक येलो साइडेड का जो हमने नया पेयर लगाया हुआ था उसका प्रोग्रेस हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा एक येलो साइडेड कॉन्योर का एक पेयर जो कि जोड़ा हमने नया लगाया हुआ था, और इसका जो प्रोग्रेस है ये अभी मेटिंग मोड पर है और मेटिंग कर रहे हैं और बॉक्सेस वगैरह भी पकड़ चुके हैं, और फिलहाल अभी इनके जो प्रोग्रेस अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। बहुत जल्द हमको इनके जो प्रोग्रेस है हमको दिखाई भी, ठीक है। तो अभी चलिए पहले हम इनके जो बॉक्स है उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है उनका बॉक्स, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी तक इनके जो प्रोग्रेस है अभी तक नहीं किए हुए हैं। और अंदर मैंने कॉटल फिश का एक बोन डाला हुआ था, क्योंकि ये अगर कुछ भी कैल्शियम वगैरह का प्रॉब्लम है वो बॉक्सेस के अंदर रहकर भी बोन को खा सके। तो ये है दोस्तों हमारा येलो साइडेड कॉन्योर का एक जोड़ा। तो दोस्तों दूसरा हम चेक करते हैं, ये है हमारा येलो साइड कॉर्नर का और एक ब्रीडिंग पेयर जो कि अभी बॉक्स में है। हम लोग इसलिए हम इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये भी ब्रीड पे है और ये अंडे भी दिया हुआ है, मैं चेक किया हुआ था दोस्तों, इसका बॉक्स पे 6 अंडे था, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए चलिए हम इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, नेक्स्ट जो बॉक्स है उसमें देखते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारा एक येलो साइडेड का केज है जो कि ये भी बॉक्स में है और ये अभी नहीं है, बाहर भी नहीं है, मेल भी नहीं है, फीमेल भी नहीं है। अभी मैं दिया हुआ था सीड्स वगैरह दिया हुआ था, ये सब खा के अंदर चले गए हैं, ठीक है। और बॉक्स में है, ये भी एक दो अंडे दे दिया था, मैंने देखा हुआ था, ठीक है। चलिए अभी हम पाइनएप्पल सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा पाइनएप्पल कॉन्योर का एक ब्रीडिंग पेयर जो कि अभी मेल बाहर है और फीमेल अंदर है। ये आप देखिए, ये हमारे पाइनएप्पल कॉन्योर का एक ब्रीडिंग पेयर जो कि अभी अंडों पे है, अंडों पे बैठी हुई है और ये सब खाना जो है ये खा चुके हैं, इनको अभी सीड्स भी दिया हुआ था, ठीक है। ये भी दोस्तों अंडों पे है, ये तकरीबन 5-6 अंडे में भी बैठी हुई है मादी। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो दोस्तों ये एक जोड़ा है दोस्तों जो कि ये एक और एक ब्रीडिंग पेयर है, इसका फीमेल आपको आप देख सकते हैं। ये दोस्तों इसका थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसका जो कैल्शियम है, इसका
कैल्शियम लेवल जो है कि कम हो गया है, तो इसलिए ये खुद ही अपने अंडे खा दे रहा है। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम इलाज करेंगे, इनके जो कैल्शियम वगैरह का प्रॉब्लम हुआ है इसको भी हम ठीक कर देंगे जल्द से जल्द। नेक्स्ट ब्रीड पे हम इनके जो अंडे है हमको दिखाई जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कुछ प्रोग्रेस, और बहुत सारे बार्ड्स का मैं आपको जो कि दिखाई नहीं दिखा पाऊंगा। ठीक है, और एक सेटअप भी मैं आपको जो है, ठीक है, उसको हम आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कुछ फिंचर्स का मैंने सेटअप लगाया हुआ था, उसका हम प्रोग्रेस देखेंगे किस तरह, क्या इनके प्रोग्रेस हो और कितना पेयर हमने फिंचर्स को पेयरिंग लगाए हुए हैं उसका भी हम प्रोग्रेस देखेंगे। आप लोग दोस्तों सोच रहे होंगे कि पहले तो मैं आपको बॉक्स खोल के दिखा रहा था, तो अब क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल दोस्तों जो कॉर्नर जो है बॉक्स खोल के दिखाने से उनके ऊपर फ्लाई स्लाइड गिरते हैं, तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो डिस्टर्ब होने की वजह से अंडे को ख़राब कर देते हैं, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ बॉक्स को खोल के, तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से बन रही है हमारे वीडियो पे, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के बार्ड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।